फिल्मी दुनिया में जब भी कोई कलाकार बाहर से आता है, फिल्मी दुनिया के बाहर से, और हीरो या हीरोइन बनता है अपने दम पर, तो उसका संघर्ष खत्म नहीं होता। फिल्म रिलीज होने के बाद भी उसका संघर्ष खत्म नहीं होता, बल्कि उसका संघर्ष यहीं से शुरू होता है। उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो बाहर से आके हीरो हीरोइन बनते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने सीनियर एक्टरों के साथ काम करें, लेकिन यहाँ के सीनियर एक्टर उन्हें इतनी जल्दी भाव नहीं देते। आज मैं आपको ऐसे ही एक हीरो के बारे में बताऊंगा, जिनकी बतौर हीरो कई फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन कोई बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। उस कलाकार का नाम है मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती एफडीआई से एक्टिंग का कोर्स करके जब मुंबई आए तो उन्हें पहली फिल्म रज्ञा के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया। लेकिन नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि सही मायने में संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। कोई उनको कमर्शियल फिल्म नहीं मिल रही थी। तब अपना गुजारा करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, जैसे दो अनजाने, मुक्ति, रास्ते का पत्थर, फूल खिले, गुलशन गुलशन। उसके बाद बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई मेरा रक्षक। फिल्म छोटी थी, इसलिए लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की और भी फिल्में रिलीज हुई, जैसे हमारा संसार, तेरे प्यार में। ये सब फिल्में छोटी थी, इसलिए कोई भी बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिथुन चक्रवर्ती को हीरो लेता और किसी बड़ी हीरोइन को कहता कि आप हमारी फिल्म में काम कर लीजिए, तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुनते ही वो लोग इनकार कर देते। ऐसे एक बार उस जमाने के सुपरस्टार जीनत अमान को भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म ऑफर हुई, तो जीनत अमान ने यह कहकर टाल दिया कि मिथुन चक्रवर्ती उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, मेरी और उसकी जोड़ी जमेगी नहीं। कुल मिलाकर हर बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करने में कतरा रही थी। ये खबर जब भी मिथुन चक्रवर्ती को मिलती उनका दिल टूट सा जाता। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी पब्लिकली इस बात को इशू नहीं बनाया और अपना काम पूरी मेहनत से करते रहे। फिर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई डिस्को डांसर। डिस्को डांसर हिंदुस्तान की पहली ऐसी पिक्चर थी जिसने उस जमाने में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। और डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वो सब लाखों में बिजनेस करने लगी और कुछ फिल्में तो करोड़ों में पहुंच गई। और देखते ही देखते मिथुन चक्रवर्ती स्टार बन गए। मिथुन चक्रवर्ती के स्टार बनते ही जो हीरोइन उनके साथ काम करने को कतराती थी अब उनके साथ काम करने की अपनी इच्छा को जाहिर करने लगी। जिस जीनत अमान ने उनको ये कहकर टाल दिया था कि ये उम्र में मुझसे छोटे हैं, इनकी और मेरी जोड़ी नहीं जमेगी, उन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्में साइन की बतौर हीरोइन। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसी है, सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है। आज मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जिसने बतौर हीरो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में की है। आज मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुका है। आज मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जो तकरीबन तकरीबन बॉलीवुड के सभी कलाकारों के साथ काम कर चुका है और सभी से, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, हीरोइंस हो, उनके अच्छे ताल्लुक हैं। बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती उन कलाकारों में से हैं जिन्हें फ्लॉप और हिट से कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती जो कभी जूनियर आर्टिस्ट हुआ आज बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और जब से इंडस्ट्री में आए हैं, जब से वो स्टार बने हैं, तब से लगातार बिजी हैं। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने तकरीबन तकरीबन हर हीरोइन के साथ काम किया, उनके साथ भी जिन्होंने कभी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की, ना ही कभी कोई ताना मारा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ काम में विश्वास रखते। सिर्फ काम में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।